प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, अब हम आपके लिए लाए हैं एक राष्ट्रीय खबर, राजा सिंह न्यूज। राजा सिंह को जमानत मिलने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन, AIMIM पार्षद ने लगाए सिर तन से जुदा के नारे। राजा सिंह को जमानत मिलने के विरोध में हैदराबाद के चार मीनार के आसपास जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गए। इस दौरान मोगलपुरा की पार्षद नसरीन सुल्ताना ने समर्थकों के साथ सिर तन से जुदा के नारे लगाए। तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस ने कथित तौर पर एक वीडियो में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में मंगलवार को गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में उक्त विवादित वीडियो को सोशल मीडिया मंच से हटा दिया गया। राजा सिंह की गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद स्थानीय अदालत में उन्हें पेश किया गया, जहां उनसे उन्हें जमानत मिल गई। राजा सिंह को जमानत मिलने के विरोध में हैदराबाद के चार मीनार के आसपास जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गए। इस दौरान मोगलपुरा की पार्षद नसरीन सुल्ताना ने समर्थकों के साथ सिर तन से जुदा के नारे लगाए। AIMIM की महिला पार्षद नसरीन सुल्ताना ने राजा को जमानत मिलने के विरोध में अपने समर्थकों के साथ मिलकर सिर तन से जुदा के नारे लगाए। नसरीन हैदराबाद के मोगलपुरा इलाके की पार्षद हैं। वह राजा सिंह के खिलाफ जमानत के विरोध में शालीबंडा इलाके में निकली थी। इस दौरान उन्होंने ये भड़काऊ बयान दिया। इस पूरे वाकये का एक कथित वीडियो भी सामने आया है, जिसमें नसरीन के समर्थक हाथों में लाठी डंडा लिए हुए हैं और लोगों को डरा धमका कर दुकानें बंद करवा रहे हैं। कोर्ट ने सिंह को किस तर्क पर दी जमानत? अदालत ने राजा सिंह के वकील के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारी से पहले दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 41 के तहत उनके मुवक्किल को नोटिस जारी नहीं किया था। राजा के वकील ने बाद में पत्रकारों से कहा कि पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके तहत 7 साल से कम सजा वालों मामलों में गिरफ्तारी से पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। अदालत परिसर में उस हल्के तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब राजा सिंह ने समर्थकों और विरोधियों ने नारेबाजी की। पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर जमा लोगों को तितर बितर किया। BJP ने राजा सिंह को किया पार्टी से सस्पेंड। राजा सिंह की टिप्पणी को लेकर बड़े विवाद के बीच BJP ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है। इस प्रकरण के बाद हैदराबाद पुलिस ने संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। बता दें कि राजा सिंह ने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की आलोचना करते हुए सोमवार को एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में वह कुछ टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं, जो प्रतीत होता है कि इस्लाम के विरुद्ध है। फारूकी ने हाल ही में शहर में एक कार्यक्रम में प्रस्तुति दी थी। AIMIM ने दावा किया था कि सिंह ने पैगंबर मोहम्मद के विरुद्ध कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। समर्थकों ने कहा, BJP वापस ले अपना फैसला। एक तरफ जहां AIMIM के समर्थक राजा सिंह को जमानत मिलने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं उसी तरफ बेल मिलने के बाद विधायक के घर पहुंचने पर उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। राजा सिंह के घर के बाहर सैकड़ों की संख्या में समर्थक जमा हो गए और जय श्री राम के नारे लगाए। इतना ही नहीं, राजा समर्थकों ने घर के अंदर विधायक के साथ सेल्फी भी ली। इस दौरान राजा सिंह के समर्थकों ने अपील की है कि उन्हें सस्पेंड करने का फैसला BJP को वापस लेना चाहिए। तो ऐसी ही और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। धन्यवाद।